नमस्कार, मैं हूं साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में वे अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के अरेराज पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने होम डिलीवरी वाली शराबबंदी लागू की है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बीजेपी को वोट देने पर नीतीश कुमार आरजेडी में चले जाते हैं और आरजेडी को वोट देने पर बीजेपी में चले जाते हैं और भाजपा और राजद दोनों से ही जनता परेशान है। नीतीश जी को आपने वोट दिया है, नीतीश जी यहाँ शराबबंदी लागू किए हैं, होम डिलीवरी वाला शराबबंदी। जो ना में शराब दुकान पर नहीं के मिलत, होम डिलीवरी होता ना होम डिलीवरी, तो घरे घरे होता शराब के होम डिलीवरी। अब बिहार सरकार के हमनी के राउर गरीब राज्य के 20,000 करोड़ के साल में नुकसान हो रहा बा, अब 20,000 के भरपाई कैसे होता। रउआ से हमरा से डीजल पर पेट्रोल पर 9 रुपया से 13 रुपया तक ज्यादा लिहल जा रहा बा, लिया तो ना। हाँ। डीजल एजा से यूपी में 9 रुपया सस्ता बा, आ पेट्रोल 13 रुपया सस्ता बा, तो 13 रुपया रहा पेट्रोल पर ज्यादा काहे देता नहीं, काहे से कि नीतीश कुमार के होम डिलीवरी वाला शराबबंदी लागू बा, तो पैसा कहीं से व्यवस्था करे पड़ी ना, तो रउआ से शराब होम डिलीवरी आ पेट्रोल डीजल पर 15 रुपया ज्यादा, नीतीश कुमार का मॉडल है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल कुंडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनसे चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने की अपील की है। हालांकि मुकेश सहनी ने किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि वे मुंह खोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। नालंदा जिले के एकंग सराय थाना क्षेत्र के जगाई गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों निवासी मिथिलेश कुमार पटना से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी वाहन ने इन्हें रौंद दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने घटना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।